हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार। हेलो। वीडियो हम देखने वाले हैं वीआईटी पुणे के बारे में। जी हाँ, आपने थंबनेल पढ़ा वीआईटी पुणे के बारे में, आज हम पूरा डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। वीआईटी पुणे का फुल फॉर्म बता दूं, जैसे इसके पहले मैंने वीआईटी मुंबई का रिव्यू किया था, ये SMS कॉलेज नहीं है, सेम कॉलेज नहीं है, इनका कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है। वीआईटी मुंबई अलग है, उसका वीआईटी मुंबई अलग है और आपका वीआईटी पुणे अलग है। वीआईटी मुंबई का पूरा नाम है विद्या अलंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वीआईटी पुणे का नाम है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दोनों अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो इसका कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है पुणे में, वीआईटी पुणे हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में क्या क्या देखने वाले, पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे, एवरीथिंग, कट ऑफ से लेके आपके प्लेसमेंट से लेके वहाँ के हॉस्टल से लेके मेस से लेके सबकी सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे मुंबई के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस है सबके बारे में। अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, फुल डिटेल वीडियो आने वाले हैं, बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते आगे बढ़ते हैं। इस पहले वीआईटी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये है क्या, आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट नेम है, जैसे मैंने बताया कि विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में आया, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज वीआईटी पुणे, इसको हम लोग वीआईटी पुणे भी बोलते हैं। एंड इंस्टीट्यूट टाइप आपका प्राइवेट है, क्या है ये, प्राइवेट इंस्टीट्यूट टाइप है। ओके, और इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, ये आपका बहुत मतलब पुराना कॉलेज है, अगर देखोगे तो 1983 बहुत पुराना हो गया। लोकेशन की बात करें तो पुणे और पुणे में आया आपका, महाराष्ट्र में पुणे, ठीक है। अगर आप ओवरऑल महाराष्ट्र से कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस कॉलेज में आके एडमिशन ले सकते हो, और कैसे ले सकते हो उसके बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, अगर आप ओवरऑल इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो कनेक्टिविटी क्या रहेगी इस कॉलेज में आने के लिए। तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, और आपका जो अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, कौन सा, पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, वो आपका 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। ये आपके कुछ कनेक्टिविटी के बारे में हो गए। अभी हम आगे बढ़ेंगे इनके रैंकिंग के बारे में कि इनका रैंकिंग कैसा है इस कॉलेज का। तो इस कॉलेज का रैंकिंग 2020 में NIRF रैंक इनका था 165, कितना, 165 NIRF रैंक था, विच इज़ नॉट बैड। और 2019 में 155 था, और 2020 में 165 इनका NIRF रैंक था। ओके, तो अभी और भी बहुत से रैंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे द वीक में कैसा, द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या रैंक दिया है, 2020 में द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंक दिया था 43, और 2019 में 56 दिया था। इंडिया टुडे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको रैंक मिला है 2020 में 46, और 2018 में इनको मिला था 33। तो ये आपके रैंक है कुछ, आप रैंकिंग यहाँ पे दे सकते हो, बट एग्जैक्टली मैं बोलूँगा रैंक मैटर नहीं करता, आपका कॉलेज कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा जाता है, वो मैटर करता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, यहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको MSTCET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप MSTCET अगर महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो, अगर महाराष्ट्र में ही पढ़ते हो तो यहाँ पे MSTCET स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट के लिए स्टेट इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। ओके, तो अगर आप MSTCET के एस्पिरेंट्स हो तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, और अगर आप जेई मेंस देते हो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो आप किसी भी स्टेट से, तो आप जेई मेंस के थ्रू इस कॉलेज में आ सकते हो, उसके कट ऑफ रैंक के बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। ओके, और इसका काउंसलिंग होता है आपके MSTCET के थ्रू। ओके, MSTCET जो काउंसलिंग करवाता है, सेम आपका जेई मेंस का भी काउंसलिंग यहाँ पे होता है, सेम उसके थ्रू ही होता है। ओके, तो आपको अगर कहीं से भी आ रहे हो, कोई भी स्टेट से आ रहे हो, तो आप जेई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। कोर्स ऑफर्ड बाय वीआईटी पुणे कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड शिफ्ट, इनके दो शिफ्ट होते हैं आई थिंक, मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट कुछ होगा, और डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफर करता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेकेंड शिफ्ट, इसमें भी सेकेंड शिफ्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर करता है आपका, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑफर करता है। तो ये आपके कुछ ब्रांचेस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ ऑफर किया जाता है आपका वीआईटी पुणे के थ्रू,
ठीक है, ये कोर्सेज आपको BIT पुणे ऑफर करता है BTech में, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोर्सेज के बारे में, ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। यहाँ पे मास्टर कोर्स भी हैं, यहाँ से आप PhD भी कर सकते हो। उसके बारे में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस कॉलेज का लिंक दे दूंगा, कॉलेज के वेबसाइट का, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि आपके लिए मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है अगर आप मास्टर कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, और PhD कोर्स के लिए तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर BTech के टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। ओके, सो फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फीस कैसा है। तो यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो आपको फीस कितना पड़ता है, सबका अलग अलग फीस है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए कितना फीस है, ओपन कैटेगरी के लिए आपको पड़ता है 1,84,935, ये ओपन कैटेगरी के लिए फीस है। ओके, अगर हम बात करें TFWS के लिए कितना फीस है, तो TFWS एक कैटेगरी होता है, इसमें आपको पड़ेगा पूरे साल का फीस 28,413 रुपीस। ओके, कितना पड़ेगा, 28,000, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फीस देख रहे हो कितना जा रहा है, 1,84,000 समथिंग, तो इतना जा रहा है। अगर आप VJ, DNT, NT और SBC से बिलोंग कर रहे हो, ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो फिर भी आपका फीस यहाँ पे 28,000 ही लगता है। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो तब तो आपके लिए बेस्ट है, SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए सिर्फ 4,935 रुपीज़ फीस लगता है, ठीक है, पूरे साल का। तो कितना बेस्ट है SC ST और ST स्टूडेंट के लिए, उनके लिए ट्यूशन फी माफ़ हो जाता है, डेवलपमेंट फीस माफ़ हो जाता है, बस उनका फीस लगता है जो एग्ज़ाम फीस होता है वो लगता है, और एलिजिबिलिटी फीस लगता है, और जो भी मिसलिनियस यूनिवर्सिटी के फीस होते हैं वो लगते हैं बस। तो SC ST के लिए एक बेस्ट चॉइस है। अगर आप ST ST से बिलोंग करते हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको बहुत ज़्यादा फीस नहीं भरना पड़ेगा, आपका 5,000 में काम हो जाता है पूरे साल का। तो मतलब अगर देखा जाए तो 30-40,000 में आपका पूरा BTech कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप फालतू खर्चे नहीं करते हो तो, ठीक है। और OBC EBC के लिए आपको 1,06,000 भरना पड़ेगा। OBC EBC क्या होता है, EBC होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपके पूरे फैमिली का इनकम 1,01,00,000 से कम है तो उनको EBC में काउंट किया जाता है। उसके लिए तो आपके फैमिली का एनुअल सर्टिफिकेट लगता है, इनकम एनुअल सर्टिफिकेट, तो वो आपको लाके कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपका फीस यहाँ पे कम हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके EWS और SEBC के हैं वो उनके भी फीस कम हो जाते हैं 1,06,000 तक। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1,84,000 भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया बता दिया है सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ये आप यहाँ पे वीडियोस को स्टॉप करके देख सकते हो। आई नो आपको PDF में नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखाया है आपको कि यहाँ पे कैसे कैसे कैटेगरीज है। बेसिकली यहाँ पे हम हॉस्टल के बारे में देखने वाले हैं, हॉस्टल का फीस कितना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो PDF मैंने डाउनलोड किया है ये उनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो अगर आपको फीस के उनके वेबसाइट से ये PDF मैंने डाउनलोड किया है हॉस्टल के बारे में, उन्होंने पूरा डिटेल दे रखा था इस PDF में, तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये PDF एक्सेस कर सकते हो। और इसका इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस PDF में भी मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, बट एग्जैक्टली इस PDF में जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है साथ में कि आप इस कॉलेज, अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है उस पर्टिकुलर हॉस्टल के जो भी वार्डन वगैरह होंगे, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो फीस के बारे में। तो यहाँ पे पहले हम फीस देख लेते हैं। गर्ल्स, जो गर्ल्स हॉस्टल है आपका विश्वकर्मा होम डी गर्ल्स हॉस्टल, उसका फीस है आपका 60,000 पर ईयर। कितना है, 60,000 पर ईयर है। अगर आपके हॉस्टल डिपॉजिट्स और जो आपका रिफंडेबल होता है 5,000 रुपीज़, और मेस चार्जेस आपका 40,000 है वेज के लिए, तो और वॉशिंग मशीन जो आपका लॉन्ड्री चार्जेस है, अगर ये सब इंक्लूड करके अगर हम बात करें तो आपका एक साल का फीस होता है गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल में 1,11,000 रुपीज़। कितना, 1,11,000 गर्ल्स हॉस्टल के लिए फीस है। अगर आप मेस, आपके सभी जो भी लॉन्ड्री चार्जेस है, आपके हॉस्टल फीस सबको इंक्लूड करके बात करें तो यहाँ पे, अगर हम बात करें बॉयज़ हॉस्टल के लिए, तो बॉयज़ हॉस्टल के लिए यहाँ पे विंग ए विंग टू है। विंग ए एक प्राइमरी है, विंग टू है जो रेगुलर है, तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग फीस है। क्यों अलग अलग फीस है उसको हम देखेंगे। हॉस्टल फीस है यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल के लिए 1,25,000। कितना है, हॉस्टल फीस 1,25,000 है। जो हॉस्टल डिपॉजिट्स होते हैं वो 5,000 है, रिफंडेबल है, ठीक है। तो आपके मेस चार्जेस यहाँ पे लगते हैं बॉयज़ के लिए, बॉयज़ हॉस्टल में 40,000 वेज खाने के लिए। अगर आप वेज खाते हो तो 40,000 लगेंगे, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो 45,000 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। लॉन्ड्री सर्विस का आपका 6,000 देना पड़ेगा। अगर इसको टोटल किया जाए तो टोटल आपका पड़ता है 1,76,000, ठीक है, और 1,81,000।
कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह जो भी रहेंगे उनके साथ. जो विंग बी में है उनको पड़ता है, उनको भी यहाँ पे चार्जेस पड़ता है. वो डिपेंड करता है कौन से विंग में आप लेते हो, रेगुलर विंग में लेते हो कि प्राइम विंग में लेते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चार्जेस है. ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्जेस देख सकते हो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का. और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर सकते हो. दुबे सर करके हैं यहाँ पे जो हॉस्टल आई थिंक चलाते हैं, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो. आपको पीडीएफ दिख रहा है, तो ये हो गया. और यहाँ इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो ये हो गया यार आपके हॉस्टल के बारे में. यहाँ पे फी वेवियर मैंने जैसे बोला कि एस सी एस टी वालों को यहाँ पे पूरा फीस माफ़ है, इंस्टीट्यूशन फीस जो भी है वो पूरा माफ़ है. और जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वी जे एन टी, एन टी, एस बी सी, इन लोग को फीस 1,06,000 समथिंग लगता है. तो ये आपके फी वेवियर है. मैंने यहाँ पे पूरा फीस के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है. अभी हम बात करेंगे इनके जेई मेंस के कट ऑफ के बारे में. इनका कट ऑफ कितना गया था, और ये कट ऑफ आपका राउंड टू का है जेई मेंस के. हम डायरेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखेंगे. 679 इनका जेई मेंस का कट ऑफ गया था, कट ऑफ रैंक गया था सेकेंड राउंड का. ठीक है, और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देखें तो 852 गया था. आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है. वीडियो को स्टॉप करके आप जो ब्रांच का देखना चाहते हो वो ब्रांच का यहाँ पे देख सकते हो. अभी हम बढ़ते हैं एमएसटी सीईटी के कट ऑफ के बारे में. जो ये भी आपका सेकेंड राउंड का कट ऑफ है एमएसटी सीईटी का. अगर आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखेंगे तो 1,343 कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ है. अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कट ऑफ देखेंगे तो 1,679 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कट ऑफ गया है. और बाकी के कट ऑफ आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया है. अदरवाइज आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं. ओके, तो ये हो गया आपके कट ऑफ के बारे में. अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा दिया हुआ है. पिछले हम 8-10 साल का प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. आप देख सकते हो उनके वेबसाइट से मुझे मिला है पूरा इन्फॉर्मेशन. 8-10 साल का इनका प्लेसमेंट है. हाईएस्ट पैकेज अगर हम 2019 और 2020 की बात करें, हाईएस्ट पैकेज था 26 लाख. कितने थे? 26 लाख. उसके पहले गया था 2017 और 2018 में 37 लाख, और 2018 और 2019 का गया था इनका 27 लाख. तो ऐसे इनके प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे गए हैं. हाईएस्ट प्लेसमेंट अगर देखेंगे, पिछले आप 11 साल का डेटा देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे दिया है पीडीएफ में आपको दिख जाएगा. इसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे 11 साल का डेटा दिखेगा आपको हाईएस्ट पैकेज का. और एवरेज पैकेज की बात करें इस साल का, तो 2019 और 2020 का एवरेज पैकेज था 6 लाख. कितना? 6 लाख इनका एवरेज पैकेज गया था. तो आई थिंक नॉट बैड. अच्छा, मतलब आपको इतना पैसा भर रहे हो तो आपका जो आरओआई है वो भी अच्छा है. यहाँ पे जो प्लेसमेंट आता है काफ़ी सही है. तो ये हो गया आपके प्लेसमेंट्स के बारे में. अभी हम बात करेंगे इसके कंपनीज के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं. तो कंपनी देख लेते हैं कौन कौन सी है. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एसेंचर आता है आपका, इन्फोसिस आता है, उसके बाद आपके टीसीएस आते हैं, ड्यूलाइट्स आते हैं, और वीवीएफ इंडिया लिमिटेड आता है, ट्रेंड आता है. यहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं, मैं कितने कितने कंपनी के नाम लूँ. आई थिंक 141 कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं. कितना? 141 कंपनी विजिट करते हैं. लास्ट ईयर इतना ही किए थे विजिट 141 कंपनीज. तो ये आपके कुछ रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं. ये हो गया आपके कंपनीज के बारे में. ठीक है, तो और ये तो फिलहाल हो गए कंपनीज के बारे में. तो ये था आपका पूरा ओवरऑल डिटेल वीडियो जो आपके वीआईटी पुणे के बारे में है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में. मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट कवर किया, उनके हॉस्टल के बारे में कवर किया, उनके फीस के बारे में कवर किया. फीस का आपको कहाँ फीस में कंसेशन मिल रहा है, कौन से कैटेगरी में मिल रहा है, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किए. आपके कनेक्टिविटी के बारे में कवर किया है, यहाँ का हॉस्टल कैसा है उसके बारे में कवर किया है. हॉस्टल का आपको वार्डन का नंबर भी मिल गया है आपको. तो ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सभी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो मैंने सभी यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिया है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ जितने भी वीआईटी पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा कम परसेंटाइल आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता. तो इसलिए हम वीआईटी पुणे में वगैरह में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. और इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड है आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करिए. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ऐसे ही कई सारे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, खास करके मुंबई के मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के बारे में, जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है. सो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.
I got broads in Atlanta. Teach it to me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Oh, hello. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल.